कोई आपके साथ बस जब तक रहता है जब तक वो आपसे आगे ना निकल जाए। दोस्तों आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा यश और रिट्स की लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही हैं, जो कि एक तरह से ट्रेडिंग पर है। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ दोस्त, ये तो कहना था यश चौधरी का कि ऐसा इनके साथ हुआ, लेकिन इसके जवाब में रिट्स ने क्या जवाब दिया सुनिए। मुझे तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, एक होते हैं बुरे लोग, ठीक है, एक होते हैं अच्छे लोग, और एक जो बीच के लोग होते हैं ना, बीच के लोग मेरे जैसे, जिसको शुद्ध हिंदी में चूतिया कहा जाता है, तो हम उन चूतियों में से एक है जो जरूरत से ज्यादा अच्छे है। तो दोस्तों ऐसा ही होता आया है हर प्यार करने वाले के साथ। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप सच्चा प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता, और जिसे सच्चा प्यार मिल जाता है उसकी कोई कदर नहीं करता। तो दोस्त ऐसी ही कुछ कहानी है रिट्स और यश की, लेकिन दोस्त कहानी ऐसे ही मोड़ पे नहीं आती है, क्योंकि इनकी एक रिट्स की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है, जो कि एक यूट्यूबर ने बिल्कुल खुलकर उनको बोला है कि ये सबसे बड़ी जो है रिट्स की जो है खूबी थी, खूबी कहे या फिर उनकी कमजोरी कहे, कि जिसकी वजह से जो है यश ने उनको छोड़ा। तो दोस्त हर इंसान की एक ने एक कमी या फिर एक ने एक लत जरूर होती है, तो ऐसे ही लत थी रिट्स की, जो कि एक सबसे बड़ी वजह बनी उनके ब्रेकअप की। धवन बहुत ही बड़ी चेन स्मोकर भी है और ड्रिंक भी बहुत करती है। तो दोस्तों जितना ज्यादा दर्द इन दोनों को नहीं है, उससे कहीं ज्यादा दर्द जो इनके दर्शकों को है और इनको पसंद करने वाले को है। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं है दोस्त, कहानी ऐसे ही स्टार्ट नहीं होती है दोस्त, कहानी स्टार्ट होती है इनके एक ब्लॉग से। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक ब्लॉग में इन्होंने स्पष्ट तरीके से एक झगड़ा हुआ था इनके बीच, तो रिट्स धवन ने क्या किया, यश चौधरी के मुंह पर जो वाइपर मार दिया, जो कि टॉयलेट साफ करने का होता है। और दोस्त यश चौधरी यानी कि दोस्त वो नाम से ही चौधरी, जात से ही चौधरी, तो दोस्त चौधरी कभी भी जो है एक से पीछा नहीं छोड़ते हैं, और अगर उनकी कोई गलती नहीं होती है तो उसी का बदला लेने के लिए यश ने भी वहीं पे झगड़ा कर लिया। और फिर उसी ब्लॉग में उन्होंने ये बात भी बोल दी कि मेरी एक बंदी है। तो आप खुद देख सकते हो, इसमें आप खुद सोचिए कि जो ड्रग्स लेती है लड़की रिट्स धवन, और ड्रग्स के चक्कर में आपको मैं बता दूँ उससे पहले ही इनका एक ब्रेकअप हो चुका था, जो कि एक तरह से आप सभी जानते हैं। जाने दिया, वरना तो बुरे तो हम भी बन सकते थे बहुत, लेकिन फितरत नहीं है यार, धोखेबाजी की फितरत ही तो नहीं है। जो माँ बाप हमें दुनिया में लाते हैं, और अगर उन माँ बाप की कोई कदर नहीं करता है और उन माँ बाप की अपने सामने कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो हर इंसान ऐसा ही करता है। तो ऐसे ही दोस्त रिट्स धवन ने भी यश चौधरी के माता पिता के साथ किया था, और उसका जवाब फिर क्या दिया उन्होंने। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने ना उनके माँ बाप की ना इज्जत नहीं करी, है ना, तो इज्जत नहीं करी ना, जब तक तुम किसी लड़की की इज्जत नहीं करोगे ना उसको, समझ रहे हो, जब तक तुम किसी लड़की की इज्जत नहीं करोगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे वो लड़की तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत करेगी, तो भाई ये ना घोर कलयुग है, यहाँ पे ऐसा चलता नहीं है। अगर तुम किसी लड़की की रिस्पेक्ट करते हो तो वो लड़की तुम्हारी बहन की भी इज्जत करेगी, क्योंकि तुम्हें लड़कियों की इज्जत है, कदर है, वरना तुमने लड़कियों को अगर यूज़ करने के लिए सोच रखा है, यूज़ करोगे फलाना ढिकाना, तो फिर तो कोई बात नहीं यार तुम्हारा। तो यहाँ पर मैं रिट्स को एक जवाब देना चाहूँगा कि रिट्स जी, अगर वो बंदा आपकी कदर नहीं करता तो आपको यहाँ तक लेकर नहीं आता, आपका ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने इतना साथ दिया है, रेस्पेक्ट नहीं थी तो क्या थी फिर। इतना कुछ होने के बाद भी रिट्स के मन में बदले की भावना है, जो कि ये साफ जाहिर करती है कि वो कितना नफरत करती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं तो किसी को कुछ सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक बात ये कहूँगा कि रिट्स को यहाँ पर सोचना था, क्योंकि रिट्स का जो पहले ही बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका था, और ब्रेकअप के बाद जो है ये यूट्यूब पर आई, और यूट्यूब पर आई तो यहाँ पर यश चौधरी के ही पहले वीडियो से वो वायरल हुई थी, और उससे ही काफ़ी ज़्यादा फेम मिली थी। तो इस बात को उन्होंने कहीं से कहीं तक जो नहीं बताया है अपने इंस्टाग्राम पर, और ये जो लाइव आई थी ये भी इंस्टाग्राम पे ही आई थी, और वहाँ पर रो रो के बता रही थी अपनी ब्रेकअप की कहानी। लेकिन प्लीज़ दोस्तों ये बात भी यश ने प्रारंभ में, इस वीडियो के प्रारंभ में ही बोल दी थी कि कोई भी इंसान आपके साथ
तब तक ये जब तक कि वो आपसे आगे ना निकल जाए। तो ऐसे ही यश चौधरी के साथ हुआ, जो कि एक तरह से रिट्स ने अपना सब कुछ जो है अपने बलबूते पर नहीं किया, जो कुछ भी किया उसमें यश का पूरा से पूरा हाथ है, क्योंकि यश ने जब उनका हाथ थामा तो कहीं से कहीं तक उनको ऐसा नहीं लगने दिया कि वो उनका पहले से कोई ब्रेकअप हुआ है। तो यश चौधरी एज ए फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बदले, लेकिन उनकी कहानी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी और ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस हम आपको सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वहाँ पर इंसान को क्या करना चाहिए। तो फिलहाल यश चौधरी की ऑलरेडी बंदी थी, जो कि पहले से बता चुका है, और लड़कियाँ भी ऐसे कम नहीं होती हैं। और इसमें रिट्स ने भी कुछ आगे बताया है, जो कि हम आपको बताएंगे एक वीडियो क्लिप में। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये किसी इंसान की ज़्यादा अगर मदद करोगे और उसके ऊपर ज़्यादा एहसान करोगे तो वो आपकी कदर नहीं करता है। और मैं यहाँ पर अगर रिट्स धवन भी अगर ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप पूरा मत मानना, हम उनके फ़ैन हैं और आपके भी फ़ैन हैं, तो इसी तौर पर ये वीडियो बनाते हैं। बाकी हमारा किसी प्रकार से कोई गलत मकसद नहीं है, और बस जो कुछ भी जानकारी मुझे मिली थी और मैं लेकर आया हूँ वो सब आपके लिए ही लेकर आया हूँ। जो कुछ भी लाया हूँ मैं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ही लाया हूँ और कहीं से नहीं लाया हूँ। और फिलहाल जो है आप खुद जानते हैं इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह से ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप की सबसे बड़ी कहानी यही थी। मैं पहले बता देती हूँ, बहुत लोग डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं कि हमने क्या सोचा था और कौन बंदा निकला, ये हो गया वो गया, बट सीरियसली जो मुझे डिजर्व करता है वो मेरे साथ में है आज, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे कोई शर्म नहीं है पब्लिकली इसको लाने में, क्योंकि यार अभी डायरेक्ट मैरिज वाला ही सीन है, कोई ये बंदा बंदी वाला खेल मुझसे होगा नहीं अब। ठीक है, बहुत ऑलरेडी धोखे मिल चुके हैं, धोखे इतने मिले हैं कि यकीन करना किसी पे दोस्ती में भी यकीन नहीं हो सकता है। तो थैंक्स टू गॉड यार कि जिन्होंने मुझे एक अच्छा लड़का मेरे नसीब में एक अच्छा सा लड़का दिया, जो मेरी बहुत केयर करता है, जिसने मुझे इन दोनों बहुत संभाला है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और लाइक ही इज़ सो क्यूट यार, उसमें तो आई एम नॉट इवन लाइक एबल टू एक्सप्लेन यार, वो कितना प्यारा है, उसकी बातें, उसकी हरकतें, वो जो जैसी जैसी हरकतें करता है, जो पता है मैं उसको बाइक राइड देती हूँ। मैं बाइक राइड देती हूँ, वो बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर मैं रिट्स के लिए इतना ही कहूँगा कि रिट्स जी, अगर बंदे को यूज़ एंड थ्रो अगर आपको करना होता तो वो आपको कब का कर चुका होता, वो आपको वहाँ से उठाकर ऊपर नहीं ले आता। और जब आपका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था उसके बाद आप यूट्यूब पर आई, और यूट्यूब पर आने के बाद में जब इस बंदे ने आपका साथ दिया तो आपको भी थोड़ा बहुत आपको सोचना था। हाँ, हो सकता है आपने उनके माँ बाप की कदर ना करी, लेकिन आपकी कदर अगर वो नहीं करता तो आप खुद सोचिए, अगर आपकी कदर नहीं करता, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, तो वो आपके साथ में इतना क्लोजली नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं आप खुद भी सोचिए, बाकी हम किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल इन दोनों के बारे में या फिर इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।